मेरा नाम कार्तिक कुमार है। मैं बहुत अच्छे वक्त तक आज इस प्रोटेस्ट मार्च में और मार्च फॉर फ्रीडम पे आए हुए तमाम लोगों की जय हिंद धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मुझे जो लास्ट में बुलाया गया है उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसलिए कम से कम जिसका बातों में कितना दम है, कौन कितना झूठ बोलते हैं, ये भी एक चीज़ जो खुल के आना बहुत ज़रूरी है। और अभी तक जितना भाषण हुआ है, हो सकता है मेरा बात कुछ लोगों की अच्छा ना लगे, बट लेकिन मैं वही बात दोहराना चाहता हूँ जिन बातों के सज्जन इमाम इस कैंपस का, इस जेएनयू की धरती पर जो कह के गया है। जब भी मैं, मुझे ये चीज़ याद था, मैं 19 में एमफिल करने के लिए आया हूँ और सज्जन इमाम जो शाहीन बाग की जो मूवमेंट का जो नींव रखा गया है उसको जो फॉर्म कर रहा था, उस समय भी मैं साथ में था। जिस दिन सज्जन इमाम को जो अरेस्ट किया गया है, जो बापसा की तरफ से ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग भी बुलाया गया था, और जिन लोग आज मार्च में जो डपली पीट पीट के जो इस्लामोफोबिक डाउन डाउन कह रहा था, उन सारे संगठन ने जो टेफलाज में बैठ गए सज्जन इमाम का जो साथ खड़ा होने के लिए जो मना भी किया है, और ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। और जब मैं सज्जन इमाम को जो याद करता हूँ, और मुझे रोहित वेमला भी याद आता है, जो रोहित वेमला भी जो पहले वो क्लास कॉन्शियस में जो घूमता था, जिस दिन जो हिस्सू में SFI को छोड़े हैं, उस दिन एक रेडिकल अम्बेडकर एक्ट बन के जो बाहर आया है, और उसी बातों के मैं याद करते हुए सज्जन इमाम को भी याद करना चाहता हूँ, जो पहले सज्जन इमाम इस कैंपस में 2015 में ऐसा की संगठन में था। और जब ऐसा की संगठन ने 2016 में जो नजीब गायब होने के बाद जिस तरीके से उसके टोकनिस्ट वे में जो उसको लड़ाई लड़ी है, उसके खिलाफ सज्जन इमाम ने आवाज उठा के ऐसा से बाहर आया है। जिन लोग आज प्रोटेस्ट में इस्लामोफोबिक डाउन डाउन कह रहा था, उन्हीं ऐसा को और SFI को सज्जन इमाम ने इस्लामोफोबिक घोषित किया गया है, और ये चीज याद रखना जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बात मैं पूछना चाहता हूँ, आज सज्जन इमाम इस प्रोटेस्ट में हुआ होते, सज्जन इमाम का जो भाषण क्या हुआ होता था, ये पूछना और ये जानना बहुत जरूरी है साथियों। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सज्जन जितना लोग जो पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स था, वो लोग बाहर आना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हम लोगों की लड़ाई लड़ना भी बहुत जरूरी है। मुझे बट लेकिन इस बात भी मुझे याद था, जो तमाम जब सज्जन इमाम को जो अरेस्ट किया गया है, बट लेकिन कोई इस देश का जो लेफ्ट लिबरल्स हो और सिविल सोसाइटी हो, उसका साथ कभी कड़ी नहीं हुआ है। बट लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, सोचना भी बहुत जरूरी है, सज्जन इमाम के साथ में क्यों कड़ा नहीं हुआ है। बिकॉज मैं ऐसे समझता हूँ, सज्जन इमाम एक रेयर इंटेलेक्चुअल है, मुस्लिम कम्युनिटी से एक रेयर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। वो सारे जो ब्राह्मणवाद पॉलिटिकल पार्टी को इस कैंपस के अंदर, एक कैंपस के बाहर एक्सपोज भी किया गया है। आप एक बार अलीगढ़ में जो स्पीच सज्जन इमाम ने दिया गया है, उसका आप सीक्वेंस देख लीजिए, उसका क्रोनोलॉजी देख लीजिए, कांग्रेस की लेके बीजेपी की लेके तमाम जो प्रोग्रेसिव जो पॉलिटिकल पार्टी इस देश में जो लेफ्ट के नाम से जाना जाता है, सारे पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज किया गया है। जिस पॉलिटिकल पार्टी में सत्ता में रहने के बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी को जो खिलाफ इस देश में जो काम किया गया है, और ये जो इसलिए जो तमाम लोग, वो दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो और वो ओबीसी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी में जो बैठे हुआ है, बट लेकिन उसका समाज के खिलाफ इस देश में जो कास्ट हिंदू, इस देश में जो ब्राह्मण और समाज जो काम करते हो, तो लोगों का आवाज कभी निकल के नहीं आता है। यही बात के लिए, यही बात पे सज्जन इमाम भी जो कड़े होके बोल रहा था, आपको इस देश में मुस्लिम कम्युनिटी उसका जो पॉलिटिकल अटॉनमी के लिए लड़ना बहुत जरूरी है, यही बात सज्जन इमाम कह रहा था। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जब उसको अरेस्ट किया गया है, सारे लोग उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं पूछना चाहता हूँ, आज सज्जन इमाम के लिए जो प्रोटेस्ट हम निकाल रहे हैं, और सज्जन इमाम इस कैंपस के अंदर जो मुस्लिम राइट के लिए भी जो बातचीत कर रहा था, तब उसको ये कह रहा था वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और सज्जन इमाम तमाम आर्टिकल्स में लिखा गया है, जब हमारे ऊपर आइडेंटिटी के नाम से जो जुलुम होती है, उस आइडेंटिटी के नाम से लेकर हमारा कम्युनिटी को मोबिलाइज करके इस देश में स्टेट के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे हमेशा। इस देश में जो लोग इसका हक के लिए जो लड़ाई लड़ रहा था, उन कम्युनिटीज को, जो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, वो लेफ्ट गवर्नमेंट हो, हमेशा उसका लड़ाई को जो अप्रोप्रिएट किया गया है।
जब वो जो उसका जो लड़ाई लड़ना लड़ने के लिए आगे आया है उसको हमेशा साइलेंट किया गया है, जब उसको साइलेंट नहीं करा पाया था उसको स्टिग्मेटाइज करना शुरू किया है। सज्जी इमाम के साथ यही हुआ था इस कैंपस के अंदर। सज्जी इमाम जब तक वो लेफ्ट संगठन में था इसको जो कुछ नहीं बोला, जब वो लेफ्ट से बाहर आया जो इंडिपेंडेंट मुस्लिम अटॉनमी पॉलिटिकल अटॉनमी के लिए बातचीत करना शुरू किया तब ये लोग उसका साथ छोड़ना शुरू किया। मैं पूछना चाहता हूँ इसमें आज लोग जो भाषण दिया गया है भाषण में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाया गया है, हम जानते हैं हम दलित समाज से आते हैं, इस देश में ब्राह्मणवाद ने उन समाज को अछूत बनाया है, हमेशा इस देश में और उन विचारधारों के खिलाफ इस देश में दलित समाज ने जो लड़ाई लड़ा है उसको सिखाने के लिए कोई जरूरत नहीं है फासिज्म के खिलाफ जो लड़ाई कैसे लड़ना है। बट लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या सिर्फ फासिज्म जो बीजेपी आने के बाद आई है, बट लेकिन इस देश में आप इस देश की इतिहास देख लीजिए जो कांग्रेस की लेके जो लेफ्ट गवर्नमेंट की लेके तमाम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इस देश के अंदर दलित और आदिवासी ओबीसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को हमेशा दबाने के लिए कोशिश किया गया है। इस देश में जो कांग्रेस वही पॉलिटिकल पार्टी था तमाम राज्यों में जो कास्ट अट्रॉसिटीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना शुरू किया है और उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ तुम्हारा प्रोग्रेसिज्म कहाँ है, जब सज्जी इमाम जब ये कह रहा था इस देश में कोई नॉन मुस्लिम पॉलिटिकल जो पार्टी कोई नॉन मुस्लिम हमारा लड़ाई में शामिल होना चाहता है हमारा टर्म्स एंड कंडीशन में आप लोग आओ, उसमें क्या गलत था, जब ये बात सज्जी इमाम कह रहा था इस देश का तमाम जो लेफ्ट लिबरल ये कह रहा था एक कम्युनिस्ट है। मैं कहना चाहता हूँ जब लड़ाई इस देश में माइनॉरिटी को होगा इस देश में लड़ाई जो दलितों की होगा उसका जो नेता बनना जरूरी है, बट लेकिन जब लड़ाई इन कम्युनिटी लीड करते हो तो कोई आके भाषण देकर नेता बनने के लिए कोशिश करता है। सज्जी इमाम इसी का खिलाफ आवाज उठाया गया है। सज्जी इमाम को यह भी कहा गया है इसका साथ हम इसलिए नहीं है, ये उस समय जो भाषण दिया गया है वो भाषण बीजेपी राजनीति को मजबूती चाहता हूँ। कन्हैया कुमार ने इस कैंपस के अंदर क्या किया है, ऐसा ये सबसे चुनाव लड़ा ताकि जो कांग्रेस की गोद में बैठे हैं जिससे जो भाषण दिया गया है तुम्हारा जो भाषण दिया गया है इस देश का कोई कांग्रेस और कोई सिविल सोसाइटी कोई लेफ्ट लिबरल ने नहीं कहा है, कांग्रेस के जो कन्हैया कुमार का जो भाषण था वो बीजेपी को मजबूत करती है। बट लेकिन इल्जाम सज्जल इमाम क्यों लगता है, सज्जल इमाम के खिलाफ इसलिए लगता है सज्जल इमाम के साथ एक आइडेंटिटी था वो मुस्लिम आइडेंटिटी है, वो मुस्लिम आइडेंटिटी है उसको जानता है जो लोग बीजेपी के खिलाफ जो आवाज उठाएगा, बट लेकिन वो चाहते हैं ये इंसान हमारा साथ में रहे हमारा टर्म्स एंड कंडीशन में काम करते रहे, बट लेकिन सज्जल इमाम उसका खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूँ जो कन्हैया कुमार इस कैंपस में जो कड़ा होके जो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ पुरजोर तरीके से जो आवाज जो लड़ाई लड़े हैं उसको खिलाफ बोला गया था इस कैंपस के अंदर आंदोलन किया गया था, मैं ये पूछना चाहता हूँ वैसे इंसान आज क्यों जाके जो कांग्रेस की गोदी में बैठे, इसका जो सवाल पूछना बहुत जरूरी है। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ जिन लोग लेफ्ट संगठन से इधर जीत के जो लड़ाई भी लड़े हैं आज वो लोग जो बीजेपी का आईटी सेल में भी काम कर रहे हैं, जब इतना जो गंदा काम तुम कर रहा था तब ये सवाल तुम्हारे ऊपर उठाया नहीं गया है, बट लेकिन वही सवाल सज्जी इमाम के खिलाफ उठाया गया है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। मैं पूछना चाहता हूँ ये भी सच्चाई है इस देश में जो माओइस्ट के नाम से जो माओइस्ट का जो आंदोलन जो लड़ाई जो आदिवासी कम्युनिटी ने उन प्रोग्रेसिव के साथ लड़ रहा था उसको कभी कुछ नहीं कहा, जिस दिन उसको खिलाफ बोलना शुरू किया था उसको जो माओइस्ट के नाम से उसको मारा जाता था। मैं उस इलाके से आता हूँ यूनाइटेड आंध्र प्रदेश से, एक समय था उधर कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग था, जब तक दलित उसका जो खिलाफ नहीं बोला जाति के लेके नहीं बोला जिस दिन उसका जब जाति का खिलाफ बोलना शुरू किया था जातिवाद के नाम से उसको घोषित करके उस संगठन से बाहर किया गया। इसी तरीके से इस देश के अंदर मुस्लिम जब तक अलग अलग संगठन में बैठे हैं बट लेकिन उसका खिलाफ कोई नहीं बोला, बट लेकिन मुस्लिम वही मुस्लिम कम्युनिटी इस देश का तमाम पॉलिटिकल पार्टी को जो चैलेंज करना शुरू किया था उसको खिलाफ बोलना शुरू किया था उसको इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी घोषित करके इस देश के बीच में जो खड़ा किया गया उसके लिए जवाब कौन मांगेगा। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हमेशा मैं ये बात ये कहता हूँ
इस देश में जो लड़ाई तुम्हारा होगा, जो आवाज तुम्हारा होना चाहिए, लीडरशिप भी तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारा आवाज कोई उठाना चाहता है उसको आंख में आंख मिला के बोलना, ये लड़ाई हमारा है, ये ट्रेन हमारा है, ये लड़ाई हमारा है, ऑर्गेनाइजेशन हमारा भी होगा, उसका लीडर भी हमारा होगा। इस कैंपस के अंदर आज भी ये कायम है, आज भी ये कायम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हो सकता है ये बहुत पुराना बात है, बट लेकिन हर साल जो नया लोग आता है, इस देश कैंपस का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, इस कैंपस में 40 साल से जो लेफ्ट यूनिटी जो लड़ाई लड़ रहा था, उसका बावजूद भी इस कैंपस में जाति का नाम से एक और दो मार्क्स दे के महिला से जो बाहर किया जाता है। और ये भी पूछना चाहता हूँ, इस कैंपस में इतना साल से तुम लड़ाई लड़ रहे हो, जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन लिंग्विस्टिक छोड़ के जो बाकी डिपार्टमेंट से ना के बराबर था, इसके लिए, इस मुद्दा के लिए जो लेफ्ट संगठन ने इस कैंपस के अंदर क्या किया, ये भी पूछना चाहता हूँ। इस कैंपस के अंदर जो जाति के नाम से कोई भी आके जो उल्टा सीधा बोल के जाता है, और उसी संगठन के लोग अलग अलग प्रोग्रेसिव की संगठन के नाम से उसका प्रेसिडेंट भी बनते हैं, बट लेकिन उसको संगठन से हटाने भी नहीं है। इसके लेके तुम्हारे ऊपर हम सवाल भी पूछना चाहता हूँ। आप जो डबली पीट पीट के हम जाति का खिलाफ है, इस देश का ब्राह्मणवाद खिलाफ है, ये बोलते हो, जब तुम्हारा संगठन का कोई आदमी जय भीम झंडा की लेकर विरोध करता है, आज भी तुम्हारा संगठन पे वो प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं। ये चीज तुमको सोचना चाहिए था, आप लोगों की सोचना चाहिए था, जिस आइडेंटिटी के नाम से आप वोट मांग मांग के इस कैंपस में जीत के आया है, उसी संगठन में लोग आज भी उस इंसान को बैठा के रखते हैं। ये सवाल हम बार बार पूछेंगे, इसलिए है प्रोग्रेसिव नाम से और कम्युनिज्म के नाम से और इक्वालिटी के नाम से तू हमेशा जो नारा देके हमारा समाज को, हमारा समाज से जो वोट लिया हो, तुम सत्ता में आने के बाद, जीतने के बाद हमारा समाज के खिलाफ काम करोगे, तुमको हमेशा हम सवाल पूछेंगे। ये सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है। इस कैंपस के अंदर ऐसे इल्जाम इस कैंपस के अंदर ऐसे संगठन के खिलाफ लगाया गया, हमेशा वो संगठन ने इस कैंपस में जो अप्रेस्ट यूनिटी का नाम से जो लड़ाई लड़ाई है, जो इंसान जो गांव में जाति का नाम से जो दबाया जाता है, जाति का नाम से जो शोषण होती है, दिन में उसका घर जला देते हैं, उसका औरत को, उस दलित माँ को, उस दलित बहन को, इस देश में माइनॉरिटी जो मुस्लिम जो औरत को जो रेप किया जाता है, बट लेकिन वो दर्द जेकम कैंपस के अंदर आके हमारा आवाज उठा के हमारा लड़ाई लड़ते हैं, हमको जातिवाद कह के हमको दूर रखा जाता है। और यही चीज इस कैंपस के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी का साथ भी होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं अपील करना भी चाहता हूँ, मुद्दा आपका है, पेन आपका है, लड़ाई आपका होना चाहिए, इस कैंपस में लीडरशिप भी आपका होना चाहिए। कोई आके ये बोलेगा हम आपको बचाना चाहता है, वो सच में तुमको बचाने वाला नहीं था, और तुमको खत्म करने के लिए, और ये भी उनका नाम से डर दिखा के और तुमको खत्म करने के लिए, और तुम्हारा कम्युनिटी को जो गायब करने के लिए ये पूरा कोशिश है। यही सच्चाई है, यही हुआ इस कैंपस के अंदर जो नजीब के साथ क्या हुआ है। नजीब के साथ वही जो ऐसा की प्रेसिडेंट था मोहित पांडे, ये सिग्नेचर करके वो पूरा जो वायरल किया गया है, ये मेंटली इल था जब वो बंदे उसका जो लड़ाई लड़ रहा था। यही बात को मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सरजिल इमाम जब रिसिग्नेशन दिया गया है, यही बात पे जोर देके बाहर आ गया है, वही बात पे जोर देके वो संगठन से बाहर आएगा। इसलिए मेरा जो अपील रहेगा इस कैंपस के अंदर जो दलित आदिवासी और ओबीसी और माइनॉरिटी और तमाम ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज का जो लड़ाई कोई जो सवर्ण नहीं लड़ सकता है, जो इंसान और तुम्हारा कम्युनिटी के खिलाफ इस देश का हर गांव में तुम्हारा कम्युनिटी के खिलाफ जो काम करता है, वो कैंपस के अंदर आने के बाद वो प्रोग्रेस नहीं बन सकता है। यही एक बहुत बड़ा भूल हुआ है, जो समाज आपका समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो समाज आप माँ बहन का इज्जत लूट रहे हैं, वो कैंपस में आने के बाद ये बोलता है साथी तुम्हारा लड़ाई हम लड़ेंगे। अरे हम 40 साल से देख रहे हैं तुम हमारा लड़ाई लड़ रहे हो, तो हमारा मुद्दा इस कैंपस के अंदर अभी भी मुद्दा कैसे रह गया, हमारा मुद्दा इस कैंपस के अंदर आज भी हल क्यों नहीं हुआ है। इसलिए और ये बात और ये काम ये दिखाता है, इस देश का जो अप्रेस्ड कम्युनिटीज था, एक जगह आके उसका खुद लड़ाई लड़ना जरूरी है, अदरवाइज देश में तुमको कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। मैं इन्हीं बातों से मेरा जो बात को खत्म करना चाहता हूँ, और सभी लोगों की मेरे जय भीम फूल जो है पेश करना चाहता हूँ।